आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर बॉटम अप पार्सिंग के ऊपर आधारित है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में LL1 पार्सिंग को कंप्लीट किया था, तो आप जैसा फिगर में देख पा रहे हैं कि बॉटम जो पार्सिंग टेक्निक है ये दो तरीके में कैटेगराइज थी। पहला टॉप डाउन पार्सर था, दूसरा बॉटम अप पार्सर था। तो टॉप डाउन पार्सर का रिकर्सिव डेसेंट पार्सर हमने इसका देख लिया, इसको समझ लिया, इसमें क्या इसके कोड्स होते थे वो देख लिया। LL1 हमने देख लिया कि LL1 किस तरह से जस्टिफाई किया जाता है, उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, इसमें फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन कैसे निकालते थे, प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल कैसे क्रिएट करते थे, और जो रूल्स थे LL1 आइडेंटिफिकेशन के, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बॉटम अप पार्सिंग के बारे में बात करेंगे। तो बॉटम अप पार्सिंग जो है ये दो तरीके में क्लासिफाइड है। पहला, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यह LR पार्सर के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा इसका जो कैटेगरी है यह है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। LR पार्सर जो है ये फर्दर फ्रेगमेंटेड है LR0 में, SLR1 में, LALR1 में और CLR1 में, जैसा कि आप यहाँ इस चार्ट में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बॉटम अप पार्सिंग को फिर से एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि बॉटम अप पार्सर जो होता है ये बॉटम टू टॉप यानी स्ट्रिंग से रूट तक पहुंचने की कोशिश करता है। क्लियर? और जैसा कि हमने देखा था टॉप डाउन पार्सिंग जो होती थी ये LMD अप्रोच को, LMD यानी इसमें जो भी डेरिवेशन जो न्यूमेरिकल होते थे, जो नॉन टर्मिनल्स होते थे, उनको रिमूव करने के लिए हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का और लेफ्ट मोस्ट लोकेशन वाले नॉन टर्मिनल को टारगेट करते थे। बॉटम अप अप्रोच में उल्टा है इसका। यहाँ पर हम राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल जो है उसको हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और उसको रिमूव करके उसके लिए स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बॉटम अप पार्सिंग जो है ये LR पार्सिंग के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि अभी हमने चार्ट में देखा था। तो LR का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है। L पहला जो होता है इसका मतलब है लेफ्ट, और R का जो मतलब होता है, ये जो LR है यहाँ पर, L का मतलब होता है लेफ्ट, और ये जो R है इसका मतलब होता है कि आपको राइट मोस्ट लोकेशन वाले यानी RMD आपको अप्लाई करना है, कि राइट मोस्ट का जो भी नॉन टर्मिनल होगा उसको आप कंप्यूट करेंगे, उसके लिए जो भी सूटेबल आपका टर्मिनल वैल्यू होगा उससे रिप्लेस करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो ये है कि बॉटम अप पार्सिंग में ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है वो एम्बिगुअस ग्रामर के अंतर्गत आ सकता है। क्लियर? बाकी जो LR जो होते हैं ये एम्बिगुअस ग्रामर में, यानी ये कह लें अपन सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में, कि ऑपरेटिंग प्रेसिडेंस जो है वो एम्बिगुअस ग्रामर के साथ डील कर सकता है, जबकि LR पार्सर जो है वो एम्बिगुअस ग्रामर को डील नहीं कर सकता। जो LR पार्सर जो होता है उसमें एम्बिगुअस ग्रामर नहीं होती है, पहली चीज। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो बॉटम अप पार्सिंग होती है ये शिफ्ट और रिड्यूस फंक्शन जो है वो यूज़ करता है, यानी इसमें शिफ्ट होता है और रिड्यूस होता है। जैसा कि हमने टॉप डाउन पार्सिंग में देखा था वो क्या करता था, फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन को यूज़ करता था प्रिडिक्टिव टेबल बनाने के लिए। ठीक इसी तरह से जो शिफ्ट और रिड्यूस जो है ये यूज़ होगा LR टेबल बनाने के लिए, SLR टेबल बनाने के लिए, CLR टेबल बनाने के लिए, LALR टेबल बनाने के लिए। तो हम यह ऐसा कह लें कि जो टेबल्स बनेंगी इसमें शिफ्ट और रिड्यूस फंक्शन को आपको यूज़ करना है। अच्छा, इसका जो टेबल होता है ये दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। तो आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह से इसको हम शुरू करें, LR पार्सर जो है वो कैसे पार्सिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, क्विक रीकैप था कि बॉटम अप पार्सर में क्या ब्रॉडली कैटेगराइजेशन है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।